तो दोस्तों, अगर आप 2000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर कोई भी नया हेडफोन लेने जाते हो तो ये दो हेडफोन्स यानी कि बोट रॉकर्स 510 एंड बोट रॉकर्स 450 प्रो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी प्राइसिंग है वो लगभग सिमिलर है एंड दोनों ही प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा कमाल के। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करने वाले और आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए एंड आपके लिए कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर बोट रॉकर्स 510 के लुक्स की, तो यहाँ पर आपको गेमिंग टाइप लुक देखने को मिल जाता है और एक हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिखता है। यहाँ पर इसके जो बटन्स है काफ़ी ज़्यादा क्लिकी है एंड यहाँ पर जो इसका एक कॉन लगा मुझे वो है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्की हो जाता है अगर आप इसे 2 से 3 घंटा यूज़ करना चाहते हो तो। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बोट रॉकर्स 450 प्रो की, तो यहाँ पर आपको एक फोल्डेबल लाइट वेट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी टू कैरी हो जाता है अगर आप किधर भी इसे लेके जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ दोनों के ड्राइवर साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 40 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं 450 प्रो में एंड 510 में आपको देखने को मिल जाते हैं 50 mm के ड्राइवर्स। पर यहाँ पर मैंने दोनों की साउंड क्वालिटी को देखा एंड मुझे ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला, दोनों ही हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, आपको इसमें थोड़ा सा आपको बेस कम देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पर दोनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं बात करूँ इसके बेस की तो वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और अगर आप हाई वॉल्यूम पर प्ले करते हो तो जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों की ब्लूटूथ वर्जन की, तो यहाँ पर आपको बोट रॉकर्स 510 में ब्लूटूथ 4.1 देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 450 प्रो में आपको 5.0 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो लेटेंसी एंड जो लैग है जो साउंड का, अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो, तो जो लेटेंसी एंड लैग है आपको कम देखने को मिल जाएगा 450 प्रो में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे मेन पार्ट की, वो है कि बैटरी लाइफ कितनी है। अब यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि आपको बोट रॉकर्स 510 में आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। ये मेरे पास ओल्ड मॉडल है, अभी जो न्यू वाला जनरेशन आया है उसमें आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं साइड पे बात करूँ बोट रॉकर्स 450 प्रो की, तो यहाँ पर आपको 70 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कंपनी ने ये भी बताया कि अप्रॉक्स अगर आप 60% वॉल्यूम पर सुनते हो तो ही आपको ये टाइम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इसे कॉल अटेंड करना चाहते हो या फिर गेमिंग के टाइम पे इसका माइक यूज करना चाहते हो तो इसकी माइक की क्वालिटी भी आप एक बार सुन लीजिए। तो दोस्तों, अभी जो आप आवाज सुन रहे हो आ रही है डायरेक्टली इस बोट रॉकर्स 450 प्रो के इनबिल्ट माइक्रोफोन से, तो आपको एक अंदाजा मिल गया रहेगा इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, अभी जो आवाज सुन रहे हो आ रही है डायरेक्टली इस बोट रॉकर्स 510 के इनबिल्ट माइक्रोफोन से। अभी अगर मैं बात करूँ दोनों ही हेडफोन्स के कंफर्ट की, तो यहाँ पर मुझे जो बोट रॉकर्स 510 है अगर थोड़ा भी टाइम ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं तो थोड़ा हैवी लगने लग जाते हैं, थोड़ा सा बल्की लगने लग जाते हैं। तो जैसे ही अगर मैं 2 घंटे इसे पहनता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ अभी इसे उतार देना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेके फिर वापस से मैं सुनना चालू कर सकता हूँ। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोट रॉकर्स 450 प्रो की, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाइट वेट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जिसके कारण अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक भी यूज़ करना चाहते हो तो भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अराउंड मैंने भी इसे 3 से 4 घंटे तक ट्राई किया एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। दोनों की साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड यहाँ पर जो लेटेंसी है वो मुझे कम देखने को मिल गई बोट रॉकर्स 450 प्रो में। और यहाँ पर जो दोनों हेडफोन्स है आपको उसमें गूगल असिस्टेंट एंड सीरी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, बस आप 1 क्लिक पे उन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो दोनों हेडफोन्स है उसमें आपको जो बटन का फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्लिकी है एंड यहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी इन्हें यूज़ करने में। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पर जब भी मैं बोट रॉकर्स 510 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो बटन्स है वो मुझे ढूंढने पड़ जाते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड का कौन सा है एंड प्लस माइनस का कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर जो बटन का प्लेसमेंट है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोट रॉकर्स 450 प्रो की, तो यहाँ पर आपको बटन सामने सामने देखने को मिल जाते हैं ऐसे साइड पे, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कौन सा वॉल्यूम के लिए एंड कौन सा प्ले पॉज के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि हाँ बताना जरूरी है इसलिए मैंने बता दिया। एंड यहाँ पर जो दोनों ही हेडफोन्स है वो एडजस्टेबल है, यानी कि आप अपने हेड के हिसाब से इन्हें एक्सटेंड करके एडजस्ट कर सकते हो एंड बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो दोनों ही हेडफोन्स हैं वो ऑन ईयर डिज़ाइन के साथ आते हैं, तो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्लस यहाँ पर अगर आपको 2 से 3 घंटे तक सुनना है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि 4 से 5 घंटा यूज़ करना चाहते हैं कोई भी हेडफोन को, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कोई ओवर द ईयर हेडफोन के लिए जाना, और उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है बोट रॉकर्स 550 की, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं अभी ओवरऑल बात करूं कि आपको कौन सा हेडफोन लेना चाहिए, तो मैं आपको सीधे से बोल देता हूं, यहां पर अगर आपको एक लाइट वेट स्ट्रक्चर वाला हेडफोन चाहिए जो कि फोल्ड हो सके और आप किधर भी कैरी करके लेके जा सको, तो यहां पर आपको बोट रॉकर्स 450 प्रो के लिए जाना चाहिए। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहां पर आपको एक बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है 510 में। बट यहां पर क्या हो जाता है कि इसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यहां पर दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे
एंड यहाँ पर अगर मैं दोनों की प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो बोट रॉकर्स 510 है उसकी प्राइसिंग अराउंड 1899 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अभी ये डिस्काउंट टाइम में आपको 1600 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आप अमेजोन पर चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यहाँ पर साइड पे बोट रॉकर्स 450 प्रो की प्राइसिंग है 1800 रुपीज़ ऑन फ्लिपकार्ट, तो ये भी आपको डिस्काउंट टाइम में 1600 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेडफोन्स हैं। बट यहाँ पर अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो साउंड एक्सपीरियंस के मामले में मुझे बोट रॉकर्स 510 ज़्यादा बेटर लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ ऋषभ ग्रोवर और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एनर्जी।